अमनदीप अस्पताल में ऐसे मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है अमनदीप अस्पताल को ये प्रोजेक्ट अमेरिका की संस्था द स्माइल ट्रेन के साथ मिलकर कर रहे हैं आज हम बात करते हैं डॉक्टर रवि महाजन से कि आखिर वह जब अध्यक्ष बनेंगे तो समाज के लिए क्या बेहतर करेंगे आज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे है और आज हम पहुंचे हैं अमनदीप अस्पताल जहां हम बात करेंगे यहां के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रवि महाजन से ये बता दें कि डॉक्टर रवि महाजन वह डॉक्टर हैं जिन्होंने अमृतसर में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी शुरू की थी कटे हुए अंगों को जोड़ने का काम डॉक्टर रवि महाजन ने ही किया था हम इनसे बात करते हैं आज के दिन हम इनको बधाई भी इसलिए देंगे क्योंकि इन्हें प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया का वर्ष 2021 के लिए प्रधान भी चुना गया है डॉक्टर रवि नमस्कार जी आपका डी फोर यूज चैनल में स्वागत है जी थोड़ा सा बताएंगे ये प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 जुलाई हो, को ही क्यों मनाया जाता है देखिए ये दिन तो इसलिए चुना गया था कि ये मिडल ऑफ ईयर में पड़ता है लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक एक इसकी इम्पॉर्टेंस क्या थी इसकी दो वजह से ये प्लास्टिक सर्जरी डे जो है वो डिसाइड किया गया कि प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेट किया जाए एक तो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है आम लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए है सिर्फ आपको यंग दिखने के लिए है वो कॉस्मेटिक सर्जरी है जो कि एक प्लास्टिक सर्जरी का अभिन्न और बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है लेकिन उसके परे भी बहुत कुछ है प्लास्टिक सर्जरी में तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाए ताकि वो उसके सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकें तो उसमें जैसे कोई जन्मजात विकृतियां होती हैं जैसे क्लेफ्लिप एंड पैलेट के बारे में आपने सुना होगा इसी तरह से चोटें लगने के आ, की वजह से कई बार किसी का अंग कट जाता है कोई अंग कुचला जाता है तो जो अंग कट जाता है उसको दोबारा से अंग को जोड़ना उस कुचले हुए अंग को दोबारा से बनाना रिकन्स्ट्रक्ट करना ताकि वो दोबारा से फंक्शन कर सके और इसी तरह से जो जल जाते हैं या मरीज़ तो उनका शुरू का इलाज जो है वो प्लास्टिक सर्जन्स के द्वारा किया जाता है और उसके बाद जो विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं उन विकृतियों को ठीक करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जी की सहायता लेनी पड़ती है और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है प्लास्टिक सर्जी का वो ये है कि जो कैंसर के मरीज़ हैं ख़ासकर जो जो चेहरे का कैंसर होता है आपने कई बार देखा होगा कि कैंसर की वजह से किसी का जबड़े का कोई हिस्सा निकालना पड़ जाता है या कुछ है तो वो कैंसर से आपने निकाल तो दिया लेकिन उसकी जो दोबारा से उसको फॉर्म देना फंक्शन देना और उसको उसकी लुक्स को सेम लेके आना वो सारा जो है वो प्लास्टिक सर्जी के दोबारा के द्वारा दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके किया जा सकता है सो so, इन चीज़ों के बारे में मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और नहीं है तो इसलिए ये प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये प्लास्टिक सर्जरी डे का जो कन्सेप्ट है वो लेके आए उसमें दूसरा ये उन्होंने कहा कि इस दिन हर प्लास्टिक सर्जन कम से कम एक प्लास्टिक सर्जरी जो है वो प्लास्टिक सर्जरी का जो ऑपरेशन है वो किसी न किसी गरीब मरीज़ के लिए करेगा सो so, एक एक सोशल कॉज भी था इसके पीछे कि जो गरीब आदमी है उसकी सहायता की जाए और कम से कम एक जो सर्जरी है वो फ्री करी जाए उसके अंतर्गत ही हम इस बार जो है हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो टीम है हमारी अमनदीप हॉस्पिटल में छः लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की टीम है उसके अलावा और चार सर्जन हैं हमारे साथ तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम दस लोग हैं तो हम कम से कम दस जो सर्जरीज़ हैं वो फ्री करेंगे उनको अगले दो या तीन महीने में हम जो पुअर पेशेंट्स हैं उनके लिए दस सर्जरीज जो है वो फ्री करेंगे इसके अंडर सर ये तो बहुत अच्छी बात है कुछ लोग तो अपना इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी महंगी ब्रांच है तो देखिए ये भी एक मैं कहूँगा कि ये भी एक भ्रांति है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है ऐसी बात नहीं है तो प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि ये सोचा जाता था कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ रिच और फेमस लोग ही कराते हैं इसलिए उस सोचा जाता था कि ये शायद बहुत महंगी है ऐसा नहीं है ये बाकी सर्जरीज की तरह ही है सिर्फ ये होता है कि कई बार जो कई सर्जरीज़ हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती हैं तो इस वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है लेकिन इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है प्लास्टिक सर्जरी इज़ अफोर्डेबल एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कैन गेट इट डन अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम बात करें अमृतसर में तो अमृतसर में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत कर करने वाले हमारे ख्याल से आप ही थे पहले जब कटे अंग कट जाते थे तो लोगों यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं थी देखिए ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे मेरे से पहले नहीं होती थी लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी की एक एडवांसमेंट है माइक्रोवास्कुलर सर्जरी तो वो यहाँ उपलब्ध नहीं थी मैंने यहाँ पे अमृतसर में 2001 के एंड में मैं यहाँ पे आया हूँ तो उस समय जो माइक्रोवास्कुलर सर्जरी जो कि एक बड़ा बड़ी इम्पॉर्टेंट अंग है प्लास्टिक सर्जरी का वो यहाँ नहीं होती थी और किसी का अगर अंग कट जाता था तो उनको जो है लुधियाना सीएमसी लुधियाना में उस समय ये सुविधा उपलब्ध थी तो वहाँ जाना पड़ता था और वहाँ जाने में कई बार टाइम इतना चला जाता था कि जब तक मरीज़ वहाँ पहुँचता था तो उसको जोड़ पाना मुमकिन नहीं होता था तो ये दो के एंड में मैंने जब यहाँ पे आके अमनदीप हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो हमने ये माइक्रोवास्कुलर सर्जरी करी और पिछले तकरीबन 19 सालों में हम बहुत सारे जो कटे हुए अंग हैं वो जोड़ पाए हैं और बहुत सारे जो पार्ट्स कुचले जाते थे उनको माइक्रोवास्कुलर सर्जरी से रिकन्स्ट्रक्ट करके हम बचा भी पाए हैं अच्छा डॉक्टर साहब हमें ध्यान है कि आपने कुछ ऐसे ऑपरेशन भी किए हैं जो आप फ्री कर रहे हैं क्लैफ्ट पैलेट लिप जो है वो थोड़ा बताएंगे सर वो क्या बीमारी है और पहले लोग तो आते नहीं थे वो करवाने के लिए तो किस तरह अभी तक आप कितने लोगों का कि, कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला चुके हैं देखिए ये जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है ये जन्म से अगर मान लो 600 या 700 बच्चे पैदा होते हैं तो कम से कम एक बच्चे में इस तरह की विकृति होती है तो उसमें उनका होंठ कटा होता है या पैलेट कटा होता है या दोनों चीज़ें कटी होती हैं होंठ और तालू जो है वो दोनों कटे होते हैं तो इनके जो ऑपरेशन हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी की वजह से या ये फैसिलिटी उनके आसपास ना अवेलेबल होने की वजह से करवा नहीं पाते थे तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक अमेरिका की संस्था है स्माइल ट्रेन सो so, उन्होंने दो सन 2000 में इंडिया में ये सर्विसेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करी और उसके लिए कुछ हॉस्पिटल जो है वो चुनने शुरू करे और हम 2004 में ये स्माइल ट्रेन संस्था का पार्ट बने और उसके अंदर हम अब तक जो हैं सात हज़ार मरीज़ों के जो ऑपरेशन हैं वो टोटली फ्री कर कर चुके हैं और इसमें देखिए सिर्फ ऑपरेशन ही फ्री नहीं किए जाते इन बच्चों को हम जो स्पीच थेरेपी है जो उनकी डेंटल ट्रीटमेंट है वो भी फ्री करते हैं और उसके अलावा जो बहुत गरीब परिवारों से बच्चे होते हैं उनका आने जाने का जो किराया है मान लो कोई बहुत दूर से बच्चे आते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे जे के से बच्चे जो आते हैं तो उनका रहना यहाँ पे खाना पीना और उनका आना जाना जो है वो भी जो है वो संस्था के द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था स्माइल ट्रेन की तरफ से और मुझे बड़ी खुशी है कि हम उसका एक पार्ट बने और उसके हम एक उनके बहुत बड़े पार्टनर हैं और हमने जो हैं जैसे कि मैंने बताया सात हज़ार सर्जरीज उसके अंडर करी हैं और ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन की बात है कि हम इतने सारे बच्चों को उनको वापस उनकी कान दे सके डॉक्टर साहब अमनदीप ज्वाइन करने से पहले आप कहाँ पर थे देखिए मैंने आ, अपनी जो प्लास्टिक सर्जरी की स्पेशलाइजेशन है वो पटियाला से सन आ, आ, 1990 में करी थी और उसके बाद मैंने सी लुधियाना जो है वो जॉइन किया सी लुधियाना में मैं तकरीबन ढाई साल तक वहाँ पे जो प्लास्टिक सर्जी का डिपार्टमेंट में उस समय डॉक्टर एब्राहम थॉमस थे जो कि उस समय बहुत फेमस थे माइक्रोवास्कुलर सर्जरी के के लिए उनके साथ काम किया ढाई साल उसके बाद मैंने रोहतक में पी जे रोहतक में आठ साल के लिए मैंने वहाँ काम किया और मैं वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड भी रहा लेकिन मैं ओरिजिनली चूँकि अमृतसर को बिलोंग करता हूँ तो डॉट और डॉट अवतार सिंह जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे क्लास फेलो हैं एम बी बी एस टाइम के और उन्होंने मेरे को काफ़ी इस चीज़ का जोर डाला कि तुम वापस अमृतसर में चलो और दैन फिर उन मैंने डिसाइड किया कि मैं अमृतसर में जा के जहाँ का मैं मेरा जन्म है मैं वहाँ पे ये सुविधाएं शुरू करूँ क्योंकि उस समय जैसे कि मैंने बताया कि ये माइक्रोवास्कुलर सर्जरी पर्टिकुलरली यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और मैंने डॉडर अवतार सिंह के साथ डॉक्टर अमनदीप कौर के साथ मिलकर और उनके सहयोग से यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया और माइक्रो सर्जरी पर्टिकुलरली जो कि इस रीजन में नहीं होती थी उसको शुरू किया और धीरे धीरे हमने ये डिपार्टमेंट जो है वो बढ़ाते गए और आज के दिन हम हमारी टीम जो है प्लास्टिक सर्जरी की वो प्रॉबेबली प्राइवेट सेक्टर में इस रीजन में सबसे बड़ी टीम है हम हमारी टीम में छः प्लास्टिक सर्जन हैं और उसके अलावा हमारे पास जो हैं तीन जो पोस्ट एमएस डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं और एक मैगजलोफिशल सर्जन भी हैं डॉक्टर साहब जब आप रोहतक में थे पी में थे तो आपने कितने डॉक्टर्स एज ए स्टूडेंट जो तैयार किए हैं और तब आप पढ़ाते थे अब सर अब क्या वही मौका आपको यहाँ पर भी मिल रहा है हाँ बिल्कुल देखिए जब मैंने मैं प्राइवेट सेक्टर में आया तो मैं एक चीज़ जो बहुत मिस करता था जो कि वहाँ पे आ, कॉलेज में थी वो ये थी कि वहाँ पे आपको आ, जो जूनियर डॉक्टर्स थे जो सर्जन बन रहे थे उनको पढ़ाने का उनको सिखाने का मौका मिलता था तो वो कमी मुझे हमेशा यहाँ शुरू में महसूस होती थी लेकिन भगवान की दया से धीरे धीरे हमारा जैसे डिपार्टमेंट बढ़ता गया और हमारे पास और जो प्लास्टिक सर्जन ज्वाइन किए तो सन 2010 में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे डीएनबी का कोर्स शुरू करने की जो है वो परमिशन मिली और अब हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वहाँ से सिलेक्ट हो के जो जो डॉक्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी एम जनरल सर्जरी कर रही होती कर रखी होती है उनको भेजा जाता है और उनकी तीन साल की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर हमारे अंडर होती है और उनको फिर एन प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री जो है वो मिलती है और उनका एग्ज़ाम भी जो है वो नेशनल बोर्ड के द्वारा ही लिया जाता है और हमने पिछले 2010 में ये शुरू किया था तो हमारे यहाँ से कम से कम जो हर साल एक कैंडिडेट जो है वो निकलता है तो हम तकरीबन आठ नौ कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ से ट्रेन कर चुके हैं जो जो एम कर चुके हैं एम कर चुके हैं अच्छा डॉक्टर साहब वहाँ आपने कितने डॉक्टर तैयार किए थे रोहक में इसी तरह के या वहाँ पे मेरे साथ कम से कम बारह जो डॉक्टर्स हैं वहाँ से ट्रेन हो के वो बाद में प्लास्टिक सर्जन बने अभी तक कुल आप बीस बाईस लोग हैं जो एम सी एच उनको प्लास्टिक सर्जन बना चुके हैं जो देश विदेश में काम कर रहे हैं उसके अलावा देखिए एक तो ये है कि जिन्होंने हमारे यहाँ पे डिग्री करी है उसके अलावा हमारे पास एम सी एच करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है और वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो पहले उन्होंने नहीं देख देखी होती और फर्दर ट्रेनिंग जो है वो हम उनकी पर्टिकुलरली माइक्रोवास्कुलर सर्जरी में करते हैं और इस तरह के लड़के जिन्होंने ऑलरेडी एमसीएच कर रखी थी वो हमारे पास यहाँ से तकरीबन पंद्रह सोलह के करीब लड़के जो हैं पोस्ट एम ट्रेनिंग करके देश के डिफरेंट हिस्सों में जा चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उससे एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ कि जो एक ऑपरेशन आप करते हो या जिस मरीज़ का ट्रीटमेंट आप करते हो लेकिन जब आप किसी को ट्रेन करते हो तो वो जिनका ऑपरेशन करते हैं जिनका इलाज करते हैं तो उसके लिए भी आपको लगता है कि आपने भी कंट्रीब्यूट किया है तो वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम हमारे डिपार्टमेंट में हो रहा है डॉक्टर साहब ये प्लास्टिक सर्जरी की जो शुरुआत है अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी सर देखिए प्लास्टिक सर्जरी जो है उसकी शुरुआत इंडिया में हुई अगर आपने नाम सुना हो तो सुश्रुत जो थे वो आज से 800 हंड्रेड बी सी बिफोर क्राइस्ट काशी में थे वाराणसी में और वो उस समय प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे और उस समय वो जैसे किसी का नाक कट जाता था तो नाक बनाने के लिए जो सर्जरी करते थे वो आज भी इस नाम से जाना जाता है कि इंडियन मेथड ऑफ़ राइनोप्लास्टी सो so, हमारी जो आ, देश विदेश की सारी बुक्स हैं उनके अंदर सुश्रुत का नाम जो है वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है और ये जो इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी है ये उनके नाम के साथ जोड़ के देखा जाता है तो ही इज़ इनफैक्ट कॉल्ड द फादर ऑफ एंशियंट प्लास्टिक सर्जरी अच्छा डॉक्टर साहब एक कई बार लोग कटे अंग लेकर आपके पास आते हैं लोगों में डॉक्टर साहब ये बहुत रहती है कि आ, हमारा आपसे पूछते भी होंगे कि हंड्रेड परसेंट सर्वाइवर हो जाएगा हमारा इसे लेकर सर आप क्या कहना चाहते हैं देखिए एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है समझ नहीं कि ज़िंदगी में कुछ भी हंड्रेड परसेंट नहीं है देखिए मैं कई बार पेशेंट जब ये सवाल पूछते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आप सड़क पे जाते हो तो उसमें भी कोई 100% परसेंट गारंटी नहीं होती कि आपको कुछ नहीं होगा सो सेम वे देखिए एक चीज़ मान के चलिए कि कोई भी सर्जरी जो है वो 100% परसेंट रिजल्ट नहीं दे सकती दुनिया में कहीं पे भी सो so, जहाँ तक कटे हुए अंगों का सवाल है उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि एम्पुटेशन किस लेवल पर हुई है और कितने समय पहले हुई है और फिर उस वो जो है वो क्लीन कट है कि या, या कुचला हुआ पार्ट है सो so बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है लेकिन अगर कोई शार्प कट इंजरी है तो जनरली उसमें जो हमारा सक्सेस रेट रहता है वो 90 परसेंट से ऊपर रहता है लेकिन अगर मान लो पार्ट क्रश हुआ हुआ है तो उसमें अगर हम अटैम्प्ट करेंगे तो सक्सेस रेट और कम हो जाता है सो so कई बार जो पार्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से कटे होते हैं मल्टीपल लेवल्स पे कटे होते हैं या कुचले होते हैं तो उन केसेस में यहाँ तो पॉसिबल नहीं होता या अगर पॉसिबल होता है तो उसमें सक्सेस रेट कम रहता है लेकिन देखिए अगर इस तरह के हम मान लो किसी चीज़ में हम ये डिसाइड करें कि ये क्रश्ड पार्ट है और इसमें सक्सेस रेट सिक्सटी परसेंट है तो अगर हमारे पास दस पेशेंट आएंगे तो हम कम से कम 6 को बचा पाएंगे तो वो छः कौन से होंगे वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा तो इसलिए अगर हम शुरू से ही ये मान के चलें कि जी इसमें हमारा सक्सेस रेट जो है वो सिक्सटी परसेंट है इसलिए हम ना करें तो वो एक गलत बात होगी क्योंकि वो जो छः बच सकते हैं फिर हम वो भी नहीं बचा पाएंगे डॉक्टर साहब आप दो के लिए प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के प्रधान चुने गए हैं आपने क्या फ्रेम किया है कि आप सोसाइटी के लिए या क्या करेंगे ऐसा अपनी प्रधानगी के रहते हुए देखिए उसमें आ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि हम आ, जो अपने यंग प्लास्टिक सर्जन्स हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर इंकल्केट करेंगे कि जो पुअर पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया कि जब हमने प्लास्टिक सर्जरी डे शुरू किया तो उसमें यह डिसाइड किया गया कि कम से कम उस दिन हर प्लास्टिक सर्जन जो है वो एक जो प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करे सो so इसी तरह से हम हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने सारे जो प्लास्टिक सर्जनज हैं उनको बोल के इस तरह के कैंप्स लगाएँ ताकि जो लोग अंडर प्रिवलेज सेक्शन से हैं उनको ये सुविधा जो है वो दी जा सके खासकर इन दिनों में जो प्लास्टिक सर्जरी डे है इसको हम प्लास्टिक सर्जरी वीक या प्लास्टिक सर्जरी का पूरा मंथ जो है वो मान के तो जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज कर सकें डॉक्टर साहब आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें सोसाइटी को या हमारे दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि लोगों में को ये जो भ्रम है एक कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में ही है एक तो वो भ्रम तोड़ना चाहिए प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी ही नहीं है कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लेकिन प्लास्टिक सर्जरी उसके अलावा भी चोटों में बर्न्स में कैंसर में जैसा कि मैंने बताया इन सब में बहुत एक अहम हिस्सा है तो उसको लोगों को जो है वो रिकोगनाइज़ करना चाहिए और उसके अलावा जो एक बड़ी इम्पॉटेंट चीज़ है वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी अगर किसी को ये लगता है कि मेरा जो कोई बॉडी का हिस्सा है जैसे किसी को अपना नाक अच्छा नहीं लग रहा या किसी के कान जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हैं उसकी वजह से अगर उसकी कोई सेल्फ इमेज या सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो कम हो रही है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है तो उसको वो सर्जरी ज़रूर करवा लेनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपकी सेल्फ़ इमेज और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है तो वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सक्सेसफुल होने में ज़रूर मदद करता है धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए ये थे डॉक्टर रवि महाजन जिन्होंने बताया कि जब वो प्रधान बनेंगे तो उनकी कोशिश रहेगी कि, कि जो प्लास्टिक सर्जरी डे को एक सर्जरी फ्री की जाती है उसे बढ़ाकर ये सात दिनों तक किया जाए ताकि गरीब मरीजों को फ़ायदा हो सके दूसरा उन्होंने कहा ये हम भी जानकर बहुत हैरान हुए हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति है ये दो मतलब दो साल से भी पुरानी है और तब से ये प्लास्टिक सर्जरी का प्रचलन है इन्होंने ये भी बताया है कि प्लास्टिक सर्जरी दूसरी सर्जरियों की भांति ही है और ये भी सच है कि डॉक्टर भगवान का रूप तो कहा जाता है लेकिन वो भगवान नहीं है जो अंग पूरी तरह से कट जाते हैं उन सबसे पहले अहम बात होती है गंभीर रूप से जो मरीज़ इनके पास आते हैं उनकी जान बचाना फिर इनकी कोशिश भी ये रहती है कि उनके अंगों को बचाया जा सके लेकिन कई बार 100 प्रतिशत सफलता इनको भी नहीं मिलती है जो कि शायद किसी के भी दुनिया में भी किसी के बस में नहीं है अमृतसर से डी फोर यू न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट